मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे ये तो बताइए कि आखिर मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा गया है। वो आदमी मुझसे बार बार क्यों कहता है कि मेरे भाई ने उसकी बहन का कत्ल किया है। किसने किसका कत्ल किया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सिंघा, एक लड़के ने उसका रास्ता रोका था, फिर उसने हमारी बेटी को गोली मार दी। तारिक को लगता है कि वो तुम्हारा भाई है। ये सब झूठ है। मेरा सफर इतना बड़ा गुनाह कर ही नहीं सकता है, और आखिर वो किसी का कत्ल क्यों करेगा? इस सवाल का जवाब तो हम सब ढूंढ रहे हैं मेरी बच्ची। सबसे ज्यादा बुरा असर आयशे पर हुआ है। उसे तो अब तक ये भी नहीं पता कि उसकी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे लगता है कि वो कहीं छिप गई है और ये उसे ढूंढती रहती है। एक साल हो गया है वो सुकून से नहीं सोई। बिना अपनी माँ के वो बिल्कुल मुरझा गई है। लेकिन जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसकी अम्मी अब नहीं आएगी, उसे इस दुनिया की बेरहमी का इल्म हो जाएगा। सारे सवालों के जवाब हमें ही देने होंगे उसे। तारिक उसी जवाब को ढूंढने की फिराक में है, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो बेटा। कैसे जवाब? वो मेरा भांजा है बेटा। उस जैसा नेक दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, लेकिन उस हादसे के बाद वो बिल्कुल बदल गया है। जितनी मोहब्बत तुम अपने भाई से करती हो, उससे कहीं ज्यादा दर्द से वो गुजर रहा है। इंतकाम की आग में झुलस रहा है। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। ऊपर वाला जानता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। शरीफ आदमी तो बिल्कुल नहीं है, वरना किसी की बहन को इस तरह अगवा नहीं करता। कहाँ भाग रहे हो गुरकान भाई, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। पर मैं क्यों भागूंगा भाई? हकलो की तरह बात करना बंद कर और सफर कहाँ है ये बता। सफर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई। झूठ मत बोल। अब चल, सीधे सीधे बता कि वो कहाँ है, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। सफर कहाँ है?